Can you send someone for laundry, please? होटल नहीं है भाई, मेरा घर है। Five star hotel jaisa bathroom with Hinsware Italian collection. Check into luxury. आ लॉन्ड्री करूँ तेरी। सभी को नमस्कार। आप सभी को जो है इस प्रेस मीट में स्वागत करते हैं। हमारे बीच हमारे संजय सिंह भैया हैं, जो कि अंडमान बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, साथ में जिला परिषद अध्यक्ष भी हैं और वीर बाल दिवस कार्यक्रम के इंचार्ज भी हैं अंडमान तथा निकोबार आइलैंड के। हमारे साथ में भाई एगम्बरम भी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और कालीकट पंचायत के प्रधान भी हैं। हम सब आपके बीच में इस प्रेस मीट में आए हैं इस विषय के बारे में डिस्कस करने के लिए कि जैसे आप सभी जानते हैं, हर साल 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस मनाते हैं। तो इस साल भी जो है कल हम वीर बाल दिवस अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में मना रहे हैं, जो कि देश भर में मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे सिख भाइयों का जो कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, उनके जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्र जो है लड़ाई में शहीद हुए थे, लेकिन वीर बाल दिवस जो है हम खास करके उनके दो छोटे बेटे जो हैं उनके शहादत को याद करके, उनका जो कुर्बानी है उनको याद करते हैं। और इसी के तहत जो है हम कल कुछ प्रोग्राम्स हम लोग रखे हैं, जिसका कंप्लीट विवरण जो है हमारे संजय भैया देंगे। और आशा करेंगे कि हमारे द्वीप समूह के हर एक द्वीपवासी जो है इस पर्व, इस कार्यक्रम को जाने और पूरे सहयोग दें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। इसी उपलक्ष्य में जो है मैं संजय भाई से बोलूँगा कि इस कार्यक्रम को विस्तार रूप से आपके सामने पेश करें। नमस्कार। आज के इस प्रेस मीट में आप सब आए, उसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। जहाँ तक रही बात वीर बाल दिवस की, तो हमारे साथ इस प्रदेश के इस कार्यक्रम के को इंचार्ज हमारे एगम्बर भाई और हमारे साउथ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हमारे अंशुमन भाई। आज हम सभी इस बार वीर बाल दिवस के ऊपर में जो कार्यक्रम करने वाले हैं उसके बारे में हम आपके समक्ष दो शब्द रखना चाहते हैं। जैसा कि अंशुमन भाई ने बताया ही कि एक्चुअल में हमारा सिख परिवार इस कार्यक्रम को अपने स्तर पे करते रहा है। ये 26 दिसंबर को ये कार्यक्रम करते हैं, अपने स्तर पे जो है प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ये पिछले साल 2022 में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के तहत पूरे देश में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में ये इस दिन को उन्होंने एक पूरे देश को संबोधन किया कि अब ये हर साल जो है इस दिन को हम सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे हमारे जोरावर सिंह और साहबजादे फतेह सिंह के शहादत को चिन्हित करके 26 दिसंबर को पूरा देश जो है वीर बाल दिवस के रूप में मनाएगा। और उसी के तहत हमारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जो जेपी नड्डा जी, जयप्रकाश नड्डा जी के आदेशानुसार और इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय इंचार्ज हमारे
राधा मोहन दास अग्रवाल जी का नेतृत्व में और प्रदेश के स्तर पे जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी का नेतृत्व में इस वीर बाल दिवस को हम पूरे प्रदेश में मंडल स्तर और जिला स्तर पर मना रहे हैं। और ये प्रदेश कमेटी जो है यहाँ पे ख़ास तौर से हम खालसा पब्लिक स्कूल में और पोर्टमोट स्कूल में वीकेवी स्कूल में हम बच्चों के बीच जो है ऐसे कंपटीशन भी रखे हैं और फ्लैग पॉइंट पे हम जो है इसका एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हम जो है आयोजन कर रहे हैं जिसमें कि हम आप सभी को भी आमंत्रित करते हैं और पूरे प्रदेश का पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण सभी शामिल होंगे जिसमें हम एक एनिमेटेड मूवी वहाँ पे दिखाएंगे और वहाँ पे हमारा एक इंटेलेक्चुअल मीट भी होगा जो सबके सामने हम जो है अपने बातों को रखेंगे कि आखिर में वीर बाल दिवस है क्या। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छा चर्चा भी होगी और हमें जानना बहुत ज़रूरी भी है। आप समझ सकते हैं कि मात्र 9 साल और 6 साल के बच्चे बालक साहबजादे जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो सिख समुदाय के 10वें गुरु थे अंतिम गुरु उनके 4 बेटों में से 4 शहीद हो गए और सबसे छोटे बेटे जो थे दोनों 6 साल और 9 साल की उम्र में मुगलों ने इस्लाम कबूल करने के लिए जो दबाव डाला और ये जब बच्चे नहीं माने तो उस क्रूर मुगल ने इनको दीवार में चुनवा दिया। सोचने वाली बात है कि जो बच्चे 6 साल 9 साल के बच्चे होंगे वो उनके अंदर में अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिए लेकिन कभी दबाव में नहीं आए। ऐसा सिख परिवार के साहबजादे थे और इस दिन को सिख परिवार जो है जोश और दुख दोनों के साथ इस दिन को मनाता है क्योंकि जितना उनके अंदर में जोश है एक दुख भी है कि इस तरह के जो है क्रूरता जो है जिस तरह से मुगलों ने किया ये वाकई में बहुत ही निंदनीय और क्रूरता है। इसका जितना शब्दों में हम निंदा करें खंडन करें वो कम है। तो इसी विषय को लेके हम पूरे प्रदेश में हम जनता के समक्ष कि हर व्यक्ति को अपने धर्म और संस्कृति के लिए कभी भी तैयार रहना चाहिए और ये हमारे लिए प्रेरणा है और हमें इससे सीखना चाहिए कि हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए कैसे अपने आप को तैयार रखना है। और आज अगर हम लोग जो है इस धर्म को लेके आज संजीदा है और कहीं ना कहीं हम तो बोलते कि ऐसे ही धरोहर थे ऐसे लोग थे जिनके बदौलत आज हम अपने धर्म पर अडिग है और आज ये धर्म चल रहा है करके। तो बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही बोलूँगा कि आप लोग इस कार्यक्रम में ज़रूर आप लोग भी शामिल होइएगा और आप लोग भी समझने की कोशिश करिए। यही मेरी बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं सभी दीववासियों को खास करके हमारे फ्लैग पॉइंट के आसपास और साउथ अंडमान में रहने वाले जो भी लोग हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि कल शाम को 5:30 बजे फ्लैग पॉइंट में आए और ख़ास करके अपने परिवार और अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आए ताकि उनका भी नॉलेज में रहे कि हमारा जो ये आज़ाद भारत है इसको ये आज़ादी को पाने के लिए बुरे शक्तियों से उभर कर अपने देश और अपने संस्कृति को बचाने के लिए कैसे और कैसे कैसे लोग जो है अपने शहादत और कुर्बानी दिए हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि कल का जो 5:30 बजे जो प्रोग्राम हम लोग आयोजित किए हैं फ्लैग पॉइंट में वहाँ पे भारी से भारी मात्रा पर आएँ और अपने परिवार और बच्चों को ज़रूर लेके आए। थैंक यू सो मच। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक अब सच देखेगा अंडमान।